जिसको अपने प्रॉब्लम से घृणा आती होगी, इस लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करने को तैयार होगा, वही सिलेक्शन लेगा मेरे भाई। सिलेक्शन वो नहीं लेगा जो कि खुश है, सिलेक्शन वो नहीं लेगा जो हनी सिंह गाने सुने खुश है, सिलेक्शन वो नहीं लेगा जो सनी लियोनी का वीडियो देख के खुश है, सिलेक्शन वो नहीं लेगा मेरे दोस्त जो अपने माँ बाप के ऐसे हालत देख के खुश है, सिलेक्शन वो लेगा जिसके दिल में दर्द है कि अगले बार दोस्तों मैं 0.1 नंबर के लिए कट गया। मेहनत उस माँ के करनी है जो सपना सजाए बैठी है कि मेरा बेटा मेरी परिस्थिति को बदलेगा, मेरा बेटा मेरा घर का दोस्तों ये जो टूटा फूटा घर है इसको ठीक कराएगा, मेरा बेटा। उस माँ के लिए पढ़ाई करना, उस बहन का मौका किस्मत से मिल जाएगा, पर जीत किस्मत से नहीं मिलेगी, जीत सिर्फ मेहनत से मिलेगी। और तू मेहनत करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई को विश्वास है तेरे ऊपर। जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है, फॉर्म अप्लाई नवंबर 2023 से स्टार्ट है। तो इसकी एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए जिससे हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो जाए, और मेरे भाई टारगेट कितना लेके चलना चाहिए बता दूँ, 140 नंबर का आप टारगेट बना के चलो, क्योंकि आपका तीर जितना ऊंचा होगा ना निशाना उतना ही ऊपर लगेगा, तीर जितना नीचे होगा निशाना उतना ही कम लगेगा। अगर आप दोस्तों 80 नंबर का टारगेट लेके पढ़ोगे ना तो आपका 50 नंबर आएगा, याद रखना। इसीलिए टारगेट हमेशा ऊपर रखो, तो मैं बोल रहा हूँ 140 नंबर का टारगेट लेके चलो जिससे आपका कन्फर्म आपकी बार सिलेक्शन हो जाए और कोई बहुत ही अच्छा फोर्स में आपका नौकरी हो, भगवान करे। तो देन दोस्तों हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, देखिए एसएससीडी की नई भर्ती आने वाली है दोस्तों। आपकी पहले भर्ती आई थी उसमें बच्चे कैसे कटे थे, कोई एक नंबर के लिए कट गया था, कोई दो नंबर के लिए कट गया था, कोई ऐसे बच्चे थे जो कि फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मेरे भाई क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, मात्र 3 गलती कारण, वो गलती आपको नहीं करनी है। पहला, उन्हें सिलेबस कवर नहीं किया, उन्हें बेसिक क्लियर ही नहीं हुआ, ना ही वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, ना ही रीजनिंग का, ना ही हिंदी का, बस जैसे तैसे करके भाई उन्होंने एग्जाम निकाल दिया और बस चले गए, क्योंकि कट ऑफ कम जाता है उन स्टेटों में, तो वो चले गए। देन दोस्तों बाद में क्या हुआ, बाद में उन्होंने भाई कट के आ गए और उन्हें तैयारी भी अच्छे से नहीं की थी। देन दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा चीज़, टाइम दोस्तों मैनेज करना, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, जो बच्चा टाइम नहीं मैनेज कर पाएगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। आपको सारा क्वेश्चन आता होगा मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, लेकिन अगर आप टाइम वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए जीडी के एग्जाम में, देन दोस्तों आपका सारा नॉलेज और सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। इसलिए टाइम दोस्तों आपको टाइम भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसको लोग दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास अभी प्रचुर टाइम है, मैं बताऊँ 5 मंथ का टाइम कम नहीं होता, बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप आराम सिलेक्शन ले सकते हो। और तीसरा और सबसे दोस्तों खतरनाक चीज़ वो क्या है दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई करना, रेगुलर स्टडी करना, और किसी चीज़ को बार बार दोहराना। अगर वो भी चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। देखिए मैं किसी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों उन लोगों की तैयारी कर रहा हूँ जो लोग को भाई कुछ भी नहीं पता, बेसिक से दोस्तों सीख रहे हैं, जो लोग आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही नहीं की, और की भी है तो आधे अधूरे मन से किए मेरे भाई, कभी अपना पूरा मन और पूरा पावर दिया ही नहीं। तो मैं उन लोगों को भाई सिखाने आया हूँ जिन लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है। वीडियो ना देखे प्लीज, ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ, मैं इस वीडियो में आपको मोटिवेट करने आया हूँ, स्टडी प्लान बताने आया हूँ कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। बट टाइम टेबल बना के दिया था, जो बच्चे भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे उनको अभी अपने अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा होगा कि दोस्तों पहले आप कैसे थे आज आप कैसे हो, तो आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। तो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दोस्तों कवर करना और सिलेबस को क्लियर करना है। अब सिलेबस हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या हमें किसी ऑनलाइन टीचर के पास पढ़ना जरूरी है, क्या ऑनलाइन टीचर के पास पढ़ के हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? दोस्त देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको पहले ही कहता हूँ, रोजगार विद अंकित मेरे को अच्छा लगता है, वो अच्छे पढ़ाते हैं, आप उनसे सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास स्ट्रेंथ की कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे मेरे भाई, आप कन्फर्म सिलेक्शन ले पाओगे और आपका डेफिनेटली नौकरी होगा। दोस्तों पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपके दोस्तों अंदर में जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा। मैं बताऊं YouTube पे ना कंटेंट भरा हुआ है, अगर आप कहीं किसी परचेस लेते हो ना कोई मतलब मैं बता दूं कोई कोर्स परचेस करते हो, आपको मिनिमम एक ही टीचर सीखना होता है, YouTube पे आप हजारों टीचर सीख सकते हो, आपके पास हजारों दिमाग काम कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपये भी नहीं देना है। क्या करना है मैं बता रहा हूँ, देखिए जितना भी ये टॉपिक है ना, चाहे वो मैथ का टॉपिक होगा, चाहे रीजनिंग का टॉपिक होगा, चाहे जीके जीएस का टॉपिक, सारा टॉपिक मैं दोस्तों स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या दोस्तों आपको पूरा पीडीएफ करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाओ मेरे टेलीग्राम से ये पीडीएफ को डाउनलोड करो। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में आपको नहीं समझ में आए, जाके यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करने के बाद यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे नंबर सिस्टम का। अब मतलब साहिल सर का वीडियो आ गया नंबर सिस्टम का, उन्होंने भाई एनटीपीसी वालों को पढ़ाया है, ग्रुप डी वालों को पढ़ाया है, सेम ही पैटर्न होता है, कोई अलग नहीं होता, वहां से आप सीख लो। अब जब आपको सोल्यूशन निकालना आ गया तो जीडी के तो ईजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो वहां से दोस्तों आप सीख सकते हो। परसेंटेज हो गया, आपके दोस्तों त्रिकोणमिति क्वेश्चन हो गए, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप दोस्तों यूट्यूब पे सर्च करो, आराम से कंटेंट निकालो और फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों तैयारी में लग जाओ मेरे दोस्त। अगर आप दोस्तों और एक चीज ये हो गया, तीसरा आपका टाइम मैनेज, टाइम मैनेज करने के लिए मैं आपको बाद में प्रैक्टिस सेट मरवाऊंगा, अभी करने के टाइम है। और सबसे बड़ा चीज़,
रेगुलर दोस्तों रोज प्रैक्टिस करना। देखिए मेरे दोस्त, लोग सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, इसलिए नहीं सिलेक्शन ले पाते को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, जिस चीज के पीछे आप टाइम दे दोगे ना दोस्तों, वो चीज आपका हो जाएगा। गर्लफ्रेंड के पीछे टाइम दोगे, गर्लफ्रेंड आपकी हो जाएगी। पैसे के पीछे टाइम दोगे, पैसा कमाना सीख जाओगे। पढ़ाई के पीछे टाइम दोगे, सरकारी नौकरी हो जाएगा। जिस चीज के पीछे टाइम दोगे, जहां से जिस चीज का टाइम छीन लिए, वो दोस्तों आपका नहीं हो पाएगा। तो जिद और पागलपन और पढ़ाई के लिए दोस्तों दृढ़ संकल्प जरूरी है, और रोज पढ़ना है। आज नहीं कि आज भाई सौरभ भाई ने मोटिवेट कर दिया, कल पढ़ने बैठे मन नहीं किया, छोड़ना यार पढ़ पढ़ क्या कर लिया, कौन को पढ़ के बिल गेट्स बन गया, हम भी बन जाएंगे, छोड़ो हटाओ। मेरे भाई पढ़ने से ना क्या नहीं हो सकता मेरे भाई। और एक चीज बता दूं, बड़ा वही बनेगा ना जिसके अंदर में कोई चीज का दर्द है। आज का युवा हनी सिंह के गाने सुन के खुश है, आज का युवा अजीत सिंह के गाने सुन के खुश है, आज का युवा अपने माँ बाप को बुढ़ापा में भी काम करता हुआ देख के भी खुश है, आज का युवा मेरे भाई प्लांट में खट के 10,000 रुपए कमा के दिहाड़ी भी खुश है, आज का युवा जो कि दोस्तों ये चीज को बदल सकता है, वो युवा कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे घूम के खुश है, आज का युवा टिकटॉक पे दोस्तों लंगी लंगी लड़कियों का डांस देख के खुश है, आज का युवा प्रोन देख के ठीक है मास्टरबेट करके खुश है। तो मेरे भाई सिलेक्शन कहां से होगा, सिलेक्शन उसी युवा का होगा जिसके अंदर में किसी चीज का दर्द होगा, जिस चीज में अपने माँ बाप को इस हालत में देख के ना मन नहीं करता होगा कि साला ये चीज मेरे माँ बाप को इस हालत से तो मेरे बाप को आजाद कराना है, मेरे माँ बाप को एक अच्छा लाइफ देना है, मैं अपने आप को अच्छा लाइफ देना है, मैं इस चीज के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं कहीं लेबर का काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं किसी छोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ था। और दोस्तों इसके लिए ये नहीं कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा एग्जाम निकाल, छोटा सा एग्जाम निकाल, जीडी का एग्जाम उतना टफ होता नहीं है, इसके फिजिकल निकालने मेडिकल निकालने कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई बड़ा वही बनेगा जिसके अंदर में दर्द होगा, जिसको तकलीफ होगी अपने आप से, जिसको अपने प्रॉब्लम से घिन आती होगी, इस लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करने को तैयार होगा, वही सिलेक्शन लेगा मेरे भाई। सिलेक्शन वो नहीं लेगा जो कि खुश है, सिलेक्शन वो नहीं लेगा जो हनी सिंह गाने सुने खुश है, सिलेक्शन वो नहीं लेगा जो सनी लियोनी का वीडियो देख के खुश है, सिलेक्शन वो नहीं लेगा मेरे दोस्त जो अपने माँ बाप के ऐसे हालत देख के खुश है, सिलेक्शन वो लेगा जिसके दिल में दर्द है कि अगले बार दोस्तों मैं 0.1 नंबर के लिए कट गया, जिसके अंदर में दर्द होगा कि अगले बार भाई फिजिकल में गया था दोस्तों मैं फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाया। दोस्तों सिलेक्शन उसका होगा जिसको दर्द होगा कि मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं अपना 100% दूंगा, मैं हर रोज पढ़ाई करूंगा, हर रोज मेहनत करूंगा, जिससे अब की बार मेरा कंफर्म सिलेक्शन हो जाए, और जिद में पढ़ाई करूंगा, ना ही किसी की बात देखूंगा। देखिए दोस्त, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं बताता हूं, लोग बोलते हैं कि तूने क्या किया, ये क्या, मैं भाई देख मैं बताऊं, मैंने ऐसे जिले का जब जब एग्जाम दिया ना तब तब मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। 2021 में एग्जाम दिया था, मेरा स्कोर था 75। 2023 में एग्जाम दिया था, मेरा स्कोर था 135 नंबर। मेरे भाई एक चीज याद रखना, पागलपन, जिद और रेगुलर पढ़ाई, यही दोस्तों आपका सिलेक्शन दिलाती है। तो अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करो, किसी की बात मत सुनो। देखिए दोस्त, बोलने वाले तो मेरी वीडियो में भी हजारों बातें बोलते रहते, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई जब होगा तो। अभी मेरे भाई जो टाइम है ना, ये टाइम दोस्तों रिविजन करने का टाइम है। मैं बता दूं, 5 मंथ बचा हुआ है, 3 मंथ के भीतर सिलेबस कवर करो, कैसे भी करके सिलेबस करो, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन को आप दोस्तों मैंने बता दिया रोजगार वितंकी से आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है, उनसे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कोई भी यूट्यूब पे नहीं कराएगा, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। अगर दोस्तों उतना भी आप नहीं कर पाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मैंने आपको तरीका बता दिया यूट्यूब पे सर्च करके। और देन दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा तरीका मेरे भाई, सेल्फ स्टडी, किताबों से पढ़ना। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऑनलाइन आप जितने भी पढ़ोगे, जीके जीएस जो भी बताएंगे ना वो चाटेंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूँ आपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करना स्टार्ट भी कर दिया हूँ मैं दोस्तों, अगर हर रोज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह देते जाऊंगा ना, तो आप उसको भी याद करके आराम से क्लियर कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, पीडीएफ में टेलीग्राम प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मेन दोस्त, आपको सिलेक्शन लेना है तो अब की बार पागलपन लाना पड़ेगा, सिद्ध लाना पड़ेगा, और दोस्त मेहनत लाना पड़ेगा। किसी काम को तो आप 100% अपना देते ही नहीं हो, पढ़ाई की तो अपने आधा अधूरा पढ़ाई किया, अच्छे से अपने पढ़ाई नहीं की, प्यार किया तो मेरे दोस्त लड़की छोड़ के भाग गए और पूरा प्यार भी नहीं कर पाए, घर वालों की इज्जत करने की बारी आई तो दिन दोस्तों आप बेरोजगार हो, नौकरी वोकरी आपको मिला नहीं, बस दोस्तों जैसे तैसे घर चल रहा है। तो अपनी जिंदगी में जो भी काम किया आधा अधूरा किया मेरे दोस्त, अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो पूरा नहीं कर रहे हो, खाली वीडियो देख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, देन दोस्तों कल फिर से वही जिंदगी। अगर मोटिवेश हो रहे हो ना मेरे भाई, तो मोटिवेट होकर रहना। लोग बोलते हैं तू मोटिवेट क्यों करता है, क्या फायदा तेरे मोटिवेट करने से भाई, फिर तो मोटिवेशन खत्म हो जाए। मैं बताता हूँ, असम का एक लड़का है, उसका नाम मैं भूल गया, उसने मुझे भाई इंस्टाग्राम मैसेज किया था, उससे कॉल में बात हुई। उस लड़के ने मुझे क्या कहा पता है, सौरभ भाई मैं तो कुलिया काम करता था, ठीक है ना, स्टेशन वगैरह पे सब सामान ढोता था, जब एक दिन आपकी वीडियो आई थी, जब एस एस जी डी का वैकेंसी आया था उस टाइम पे, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं इतना मोटिवेट हुआ ना, मेरे को पता चला कि असम में कट ऑफ कम जाता है, मैंने पढ़ाई की मेहनत किया और आज मैं बीएसएफ में सिलेक्शन लेके जा रहा हूँ, बस आपकी बदौलत, बस मैं ट्रेनिंग खत्म कर आऊँगा तो आपके पास जरूर आऊँगा सौरभ भैया, आपका दोस्तों यही मोटिवेशन था जिसका मेरा नौकरी हुआ। और इस टाइप की एक नहीं, करीबन 500 से लेके 1000 बच्चों ने मुझे मैसेज किया था मेरे भाई,
आप सोच रहे हो तो इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास मोटिवेशन ही कमी है, जिनके पास थॉट ही कमी है, जिनके पास रास्ता नहीं है। अगर मेरे वीडियो से किसी एक बच्चे का भी नौकरी हो पाता है, मेरे वीडियो से किसी एक बच्चे के भी दिल में आग लग पाती है अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सिलेक्शन के प्रति, तो मेरे भाई मैं ऐसी 1000 वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ जिसके लिए आपको मन में आग लगे और आपका पढ़ाई में जज्बा जगे। मेरे दोस्त, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। और देख, पढ़ाई अपने लिए नहीं करनी मेरे भाई, पढ़ाई अपने माँ बाप के लिए करनी है, पढ़ाई अपने दोस्तों उस बात के लिए करनी है जो आपके लिए दर दर भटक रहा है, दर दम तक मेहनत कर रहा है और प्लांट में जाके खटता है, कहीं लेबर का काम करता है, कुछ भी करता है, लेकिन आपको खाली पेट सोने नहीं देता। मेहनत उस बात के लिए करनी है, मेहनत उस माँ के करनी है जो सपना सजाए बैठी है कि मेरा बेटा मेरी परिस्थिति को बदलेगा, मेरा बेटा मेरा घर का दोस्तों ये जो टूटा फूटा घर है इसको ठीक कराएगा, मेरा बेटा। उस माँ के लिए पढ़ाई करना, उस बहन के लिए पढ़ाई करना जिस बहन को दोस्तों आस है कि मेरा भाई मेरी शादी कराएगा धूमधाम से, मेरा भाई मेरे दोस्तों इज्जत बचाएगा, तो उस बहन के लिए पढ़ाई करना है, उस तकलीफ के लिए पढ़ाई करना है और उस सोसाइटी के लिए पढ़ाई करना है जिस सोसाइटी ने तुझे कभी भी अच्छा माना ही नहीं, जिस सोसाइटी ने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, जिस सोसाइटी ने हमेशा तुझे दोस्तों उस चीज़ में लाके कि तेरी औकात नहीं है, तू ये चीज़ कर नहीं सकता कभी ज़िंदगी में, उस सोसाइटी को दिखाना है कि मेरी औकात है, मैं ही सिलेक्शन लूँगा और मेरा ही नौकरी होगा और तुम लोग भी नज़ारे देखोगे। बस मेहनत से तो पीछे मत हट मेरे दोस्त, उस सोसाइटी को औकात दिलाने के लिए पढ़ाई कर, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई कर, अपने घर अभी कुछ नहीं है मेरे दोस्त, और तू दूसरे को मत देख वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं मेरे दोस्त, तेरा भाई है ना, मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, लोग तो झुकेंगे झुकाने दे, यूट्यूब पे मैं तुझे इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, हर गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, तू बस फॉर्म गिरा, किसी में किसी नौकरी होगा ना मेरे दोस्त और ये सिचुएशन बदलेगा मेरे भाई। बस तू पागल तो हो अपने सपने के प्रति, क्यों नहीं होगा, होगा मेरे दोस्त। जिस दिन तू पागल हो जाएगा, अपना 100% देना हो शुरू कर देगा, रोज पढ़ाई करेगा मेरे दोस्त, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। किसी का बाप तेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, मुझे पता है, मैं तेरे जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। कितना होने के बाद भी भाई तू इस वीडियो में अगर बना हुआ है, तू वीडियो पूरी देख रहा है मेरे दोस्त, तो क्या कन्फर्म नौकरी होगा आपकी वैसे जीडी में। बस तू जान लगाने से पीछे मत हटना, मैं बोल रहा हूँ ना, जान लगाने से पीछे मत हटना। रिविजन करना 3 मंथ तक, उसके बाद 2 मंथ तक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, टाइम कैसे कवर करना उसके बारे में आपका भाई बताएगा नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई करने से क्या सुविधा और ऑफलाइन पढ़ाई करने से क्या सुविधा उसके बारे में बताऊंगा मैं दोस्त। वीडियो होपफुली बड़ा हो चुका है और इस वीडियो के थ्रू तुझे कुछ भी नॉलेज मिला हो, तेरे दिल में आग लगी हो अपने सिलेक्शन के प्रति, अपने आप के प्रति और इस सिचुएशन को बदलने के लिए, तो मेरे भाई वीडियो पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और उस दोस्त को शेयर जरूर करना जो कि डीमोटिवेट है, जिसके अंदर जज्बा ही नहीं है पढ़ाई करने का। जय हिंद, जय भारत और बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस इतना जाना कह के जाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, इस बार अगर तू हार गया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन अगली बार तू हार जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। मौका मेरे दोस्त किस्मत से मिल जाता है, लेकिन जीत किस्मत से नहीं मिलती, जीत सिर्फ मेहनत से मिलती है मेरे दोस्त। अगर तू मेहनत करने से पीछे हटा तो फिर जीत नहीं पाएगा, याद रखना। मौका किस्मत से मिल जाएगा पर जीत किस्मत से नहीं मिलेगी, जीत सिर्फ मेहनत से मिलेगी, और तू मेहनत करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई को विश्वास है तेरे पर। पीछे मत हटना मेहनत करने से। जय हिंद, जय भाई, लव यू मेरे सारे भाई, और भारत माता की जय, वंदे मातरम।